हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके दिए गए हैं, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर ब्लड ग्रुप बी, वर्क आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे। ओके चलिए, तो आंसर हम लोग देंगे, द ब्लड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय थ्री सेट ऑफ एलेल्स। अब कौन कौन सा है उसका नाम हम लोग नोट डाउन करेंगे, बट पहले इसको नोट डाउन करते हैं। फिर द ब्लड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस इज controlled by three set of alleles। ओके, namely इसका नेम हम लोग बात कर रहे थे, तो नेम क्या है, नेमली आई ए, आई बी एंड आई। ओके, द एलेल्स आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट। ये क्या होता है, इक्वली डोमिनेंट होता है, सॉरी आर इक्वली डोमिनेंट Whereas LL जो small i दिख रहा है आपको, whereas small i की बात हम लोग यहां कर रहे हैं, ठीक है, whereas LL i is recessive to the other LL। Recessive to the other alleles. Okay. The individual with genotype IA IA and IA और I, small वाला I की बात हम लोग कर रहे हैं, have blood group A, इसके पास क्या हो जाएगा, blood group जो हो जाएगा A हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए एंड
The individuals with genotype IB and IB or I have blood group B. Blood group B. Okay. अब देखिए, द पर्सन विथ जीनोटाइप आई ए आई बी है ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे? थोड़ा स्पेस हम लोग बनाएंगे और आगे की चर्चा करते हैं. ओके, है ब्लड ग्रुप ए बी. ओके, व्हाइल दोज with blood group O इसके पास क्या होगा जीनोटाइप? O have small I हो जाएंगे. ओके, स्मॉल आई जीनोटाइप होगा. ओके, क्लियर? हैंस इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए blood group A and mother has blood group B. B, then the possible, then the possible genotype of the parents will be father, mother. विल बी कौन हो जाएंगे? फादर और मदर. तो अब देखिए, आई ए और आई ए आई आई बी आई बी और आई बी आई. ओके, अक्रॉस बिटवीन
होमोजाइगस पेरेंट्स, विल प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोजेनी विथ ए बी ब्लड ग्रुप. ओके, अब देखिए क्रॉस हम लोग देखेंगे, थोड़ा स्पेस बनाएंगे और क्रॉस भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके, अब ये जो हम लोग अक्रॉस बिटवीन होमोजाइगस पेरेंट्स विल प्रोड्यूस प्रोजेनी विथ ए बी ब्लड ग्रुप, इसका क्रॉस हम लोग देखेंगे. ओके, चलिए देख लेते हैं. अब फादर का हम लोग ले लें, फादर, इधर हम लोग मदर लेंगे, मदर. ओके, फादर का क्या है, आई ए आई ए. ओके, मदर का क्या है, आई बी और आई बी. ठीक है, अब गेमेट्स जो बनेंगे, गेमेट्स क्या बन जाएंगे, देखिए सारी डिटेल्स जानकारी हम लोगों को लेना है. ओके, तो इसका जो गेमेट्स बनेंगे आई ए. ओके, और मदर का क्या बन जाएगा गेमेट्स, आई बी. प्रोजेनी का क्या हो जाएगा, ये पेरेंट्स हैं. ओके, प्रोजेनी का क्या होगा, प्रोजेनी में हम लोग देखेंगे क्या बनेंगे, आई ए आई बी. ओके, तो कौन सा ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप हो जाएंगे यहां आपके, ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी आए हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप आपके आ जाएंगे. ओके, कंफर्म. अब देखेंगे आगे एक और फिगर हम लोग देखेंगे, अब इस फिगर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस फिगर में देखने वाले हम लोग हैं अक्रॉस बिटवीन हेटरोजाइगस पेरेंट्स विल प्रोड्यूस प्रोजेनीज विथ ए बी ब्लड ग्रुप आई ए आई बी एंड ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ब्लड ग्रुप में क्या आता है, स्मॉल आई और स्मॉल आई, यही तो जीनोटाइप आते हैं. अब देखिए हम लोग इसका क्रॉस करवाएंगे, सबसे पहले पेरेंट्स का देख लेंगे, पेरेंट्स क्या है, फादर, इधर क्या ले लेंगे, मदर, फादर का क्या है, आई ए और स्मॉल आई, मदर का क्या है, आई बी एंड स्मॉल आई. अब इसका क्रॉस करवाएंगे तो गेमेट्स क्या तैयार होंगे हमारे, देखिए आई ए आई गेमेट्स दो तैयार हो रहे हैं, एक तो आई ए हो रहे हैं, एक क्या हो रहे हैं, आई, ये दो गेमेट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं.
ठीक है, अगर मदर की ओर जाए तो हमें क्या गेमेट्स प्राप्त होगा? आई बी एक गेमेट्स हो गए और आई दूसरा गेमेट्स, ओके चार गेमेट्स हमें प्राप्त हो गए। अब प्रोजेनी में देखेंगे, प्रोजेनी में क्या आ जाएंगे? प्रोजेनी, प्रोजेनी में हमें यहां देखिए, जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, ओके क्या मिल रहा है? आई ए आई बी, ओके चलिए इसको थोड़ा स्पेस बना के देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना? यहां हम लोग इसका जब क्रॉस करवाए तो आई ए आई बी आया, इसका मतलब क्या हो गया? ये ए बी ब्लड ग्रुप से बिलोंग करेगा, ए बी ब्लड ग्रुप इसका है, ठीक है ना? अगर दूसरी तरफ हम लोग इस वाले गेमेट का इससे अगर क्रॉस करवाते हैं, क्या आ जाएगा? आई आई, ठीक है। अब आई आई जहां आ गया, इसका मतलब क्या है? ये ओ ब्लड ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है ना? ए ब्लड ग्रुप, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, ओके। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेट चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और NCERT एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।